निम्नांकित का व्युत्क्रम लिखें। तो प्रश्न पहला, तीन बटा चार, तो तीन बटा चार का व्युत्क्रम लिखना है। तो तीन बटा चार का व्युत्क्रम होगा चार बटा तीन। तो व्युत्क्रम मतलब होता है, देखिए तीन यहाँ पे अंश है और चार हर है, ठीक है। तो तीन बटा चार का व्युत्क्रम हो जाएगा चार बटा तीन, यानी चार जो हर है वो अंश बन जाएगा और तीन अंश है जो हर बन जाएगा, यानी उल्टा कर देंगे। तीन बटा चार का व्युत्क्रम हो जाएगा चार बटा तीन और चार बटा तीन का व्युत्क्रम हो जाएगा तीन बटा चार, ठीक है। यानी अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है, तो यही हो गया व्युत्क्रम। तो तीन बटा चार का व्युत्क्रम चार बटा तीन। अब क्योंकि यहाँ पे हर छोटा है अंश बड़ा है, यहाँ पे जो था हर बड़ा है अंश छोटा है, लेकिन यहाँ पे अंश बड़ा है हर छोटा है, तो हम तीन से चार में भाग दे सकते हैं। तो इसको हम पूर्णांक में लेके आ जाएंगे, तो चार को तीन से भाग देंगे तो चार को तीन से भाग देंगे तो एक बार में तीन गुना एक तीन, चार में से तीन गया एक, तो एक हो गया भागफल, एक हो गया शेष और भाजक हो गया तीन। तो भागफल यहां पे लिखेंगे तो एक पूर्णांक, फिर शेष को यहां पे लिखेंगे एक पूर्णांक एक बटा तीन, तीन को यहाँ पे लिखेंगे। तो तीन बटा चार का व्युत्क्रम हो गया एक पूर्णांक एक बटा तीन, ठीक है। तो तीन बटा चार को पहले चार बटा तीन लिख देंगे, फिर भाग दे देंगे, यानी पूर्णांक में फिर हम इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा, पांच बटा सात, तो पांच बटा सात का व्युत्क्रम हो जाएगा सात बटा पांच। पांच बटा सात का व्युत्क्रम, तो पांच यहाँ पे अंश है तो उसको हर बना देना है, सात हर है तो उसको अंश बना देना है, तो सात बटा पांच। अब सात यहाँ पे अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो सात को पांच से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा पांच गुना एक पांच, पांच गुना एक पांच, सात में से पांच गया तो दो, दो हो गया शेष, एक भागफल और पांच को यहाँ पे लिख देना है। तो इसका उत्तर हो गया एक पूर्णांक दो बटा पांच, तो पांच बटा सात का व्युत्क्रम हो जाएगा सात बटा पांच। तो सात बटा पांच को पूर्णांक में हम लिख सकते हैं एक पूर्णांक दो बटा पांच। प्रश्न तीन, आठ बटा ग्यारह, आठ बटा ग्यारह का व्युत्क्रम हो गया ग्यारह बटा आठ, आठ यहाँ पे अंश है तो उसको हर बना देंगे और ग्यारह हर है तो उसको अंश, तो आठ बटे ग्यारह का व्युत्क्रम ग्यारह बटा आठ। अब यहाँ पे हर छोटा है अंश बड़ा है तो भाग दे सकते हैं, तो आठ से भाग देंगे इसको तो एक बार में लगेगा आठ गुना एक आठ, ग्यारह में से आठ गया तीन, तीन हो गया शेष, एक हो गया भागफल और आठ को यहाँ पे लिखेंगे, यानी एक पूर्णांक तीन बटा आठ। इसका उत्तर होगा चार। पांच बटा तेरह, तो पांच बटा तेरह का व्युत्क्रम तेरह बटा पांच, पांच बटा तेरह का व्युत्क्रम हो गया तेरह बटा पांच, तो तेरह को पांच से भाग देंगे, ठीक है। पांच बटा तेरह का व्युत्क्रम हो गया तेरह बटा पांच, तेरह यहां पे हर है तो उसको अंश बना देंगे, पांच अंश है तो उसको हर बना देंगे, ठीक है। तो पांच बटा तेरह का व्युत्क्रम तेरह बटा पांच और तेरह बड़ा है, देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है, तो हम इसको भाग देंगे पांच से, तो पांच दूना दस, दो बार में लगेगा क्योंकि तेरह है, तेरह में से दस गया, तेरह में से दस को घटाएंगे तो तीन, तीन यहाँ पे लिखेंगे शेष को, दो हो गया भागफल और पांच को यहाँ पे लिखेंगे, दो पूर्णांक तीन बटा पांच। प्रश्न पांच,
एक पूर्णांक 2/3, तो एक पूर्णांक 2/3 पहले हम पूर्णांक तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, ये दोनों गुना करते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, 5/3, ठीक है। तो एक पूर्णांक 2/3 बराबर हो गया 5/3, तो 5/3 पूर्णांक तोड़ करके आ गया। अब इसका पहले व्युत्क्रम निकाल लेते हैं, तो 5/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे अंश है तो 5 को हर बना देंगे, 3 हर है तो 3 को अंश, यानी 3/5, ठीक है। तो एक पूर्णांक 2/3 हो गया 1/2, एक पूर्णांक 2/3 हो बराबर हो गया 5/3, और 5/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/5, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 3/5, ठीक है। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे उसके बाद उसका व्युत्क्रम हम लिख देंगे। प्रश्न 6, 6 पूर्णांक प्रश्न 6, 6 पूर्णांक 5/8, पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो 8 × 48, 48 × 5 = 53, 8 × 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो 53/8, ठीक है। तो अब इसका व्युत्क्रम निकाल देंगे, तो 53 यहाँ पे क्या है, अंश है, तो 53 को हर बना देंगे, 8 हर है तो 8 को अंश, यानी 6 पूर्णांक 5/8 बराबर हो गया 53/8, और 53/8 का व्युत्क्रम हो गया 8/53, तो 6 पूर्णांक 5/8 का व्युत्क्रम हो गया 8/53, ठीक है। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे फिर व्युत्क्रम लिख देंगे। प्रश्न 7, 1 पूर्णांक 3/7, 1 पूर्णांक 3/7, पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 10, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 10, 10/7 हो गया, 10/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/10, तो 7 यहाँ पे हर है तो अंश बना लेंगे, 10 अंश है तो उसको हर बना लेंगे, तो 1 पूर्णांक 3/7 का व्युत्क्रम हो गया 7/10। प्रश्न 8, तो प्रश्न 8 में है 8, तो 8 का व्युत्क्रम हो जाएगा, यहाँ पे अंश में 8 है, देखिए जब सिर्फ अकेले, देखिए यहाँ पे बटा में कुछ नहीं दिया है तो ये अंश हो गया, अंश में 8 है और हर में 1 है, जब हर यहाँ पे जब सिर्फ बटा में कुछ ना हो तो समझेंगे कि बटा में 1 है, तो अंश में 8 है तो ये हर बन जाएगा 8, और बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हर में 1 है तो 1 अंश बन जाएगा, यानी 8 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8, 8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/8। प्रश्न 9, 1/7, तो 1/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा, देखिए 1 अंश है तो उसको हर बना देंगे, और 7 हर है तो उसको अंश, यानी 7/1, तो 7 को जब 1 से भाग देंगे तो 7 ही आएगा, क्योंकि 1 × 7 = 7 होता है, 1 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तभी 7 आएगा, तो 7/1 को हम सिर्फ 7 लिखते हैं, इसीलिए बटा में देखिए 1 जब रहता है तो बस 1 हम नहीं लिखते हैं, तो 7/1 क्या हो जाएगा 7, तो 1/7 का व्युत्क्रम हो गया 7। पाँच बटे 11 का व्युत्क्रम, तो 5 यहाँ पे अंश है, 5 हर हो जाएगा, 11 हर है तो 11 अंश हो जाएगा, यानी 5/11 का व्युत्क्रम हो गया 11/5, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हर छोटा है अंश बड़ा है तो भाग देंगे, 11 को 5 से भाग देंगे तो 5 × 2 = 10, 2 बार में लगेगा, ठीक है, 5 × 2 = 10, 2 बार में भाग देंगे तो 5 × 2 = 10, 11 में से 10 गया तो 1, 1 हो गया शेष, 2 हो गया भागफल, और 5 को यहाँ पर लिख देंगे,
यानी 2 पूर्णांक 1/5 हो जाएगा इसका उत्तर। तो 5/11 का व्युत्क्रम हो गया 2 पूर्णांक 1/5। प्रश्न 11, 4/3, तो 4/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा, 4 अंश है तो 4 हर हो जाएगा, 3 अंश है तो 3 हर है तो 3 अंश हो जाएगा, यानी 4/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/4। प्रश्न 12, 2 पूर्णांक 3/4, तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 4 2 8, 8 3 11, 11/4, ठीक है, 4 2 8, 8 3 11/4, तो ये हो गया पूर्णांक तोड़ने पे। अभी इसका व्युत्क्रम, तो 11 अंश है तो 11 हर हो जाएगा, 4 हर है तो 4 हर है तो 4 अंश हो जाएगा। तो प्रश्न 12 में 2 पूर्णांक 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/11। खाली स्थानों को भरें, तो प्रश्न 13, 1/3 का व्युत्क्रम, तो प्रश्न 13, एक बटा तीन का व्युत्क्रम, तो 1/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा, एक क्या है यहां पे अंश है तो 1 हर बन जाएगा, ठीक है, 3 हर है तो 3 अंश बन जाएगा, तो 3/1, तो 3/1, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 1 3 तो 1/3 का व्युत्क्रम हो गया 3, क्योंकि 3/1 3 ही होगा, क्योंकि 1 से 3 में भाग देंगे, 1 हर है 3 अंश है तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा। प्रश्न 14, 3/5 × 3/5 × 5/3, तो इसको गुना करना है, तो देखिए 3/5 का व्युत्क्रम से गुना करना है, 3/5 का व्युत्क्रम होता है 5/3, 3 यहाँ पे अंश है तो 3, देखिए यहाँ पे हर हो गया है, 5 अंश है, 5 हर है तो यहाँ पे 5 अंश हो गया है, तो कोई भी भिन्न का उसी का व्युत्क्रम से गुना करने पे क्या आता है, 1 आता है, देखिए 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं है तो 1 बचा यहाँ पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा 1। प्रश्न 15, 3/7 × खाली स्थान बराबर 1, तो 3/7 को किस भिन्न से गुना करें कि 1 आ जाए, तो 3/7 का उसी का व्युत्क्रम से गुना करने पे 1 आता है, तो देखिए 3 यहाँ पे अंश है तो 3 हर हो जाएगा, 7 हर है तो 7 अंश हो जाएगा, यानी 3/7 को 3/7 के व्युत्क्रम से गुना करने पे 1 आएगा, तो 3/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/3, ठीक है, तो 3/7 × 7/3 = 1, यानी किसी भी भिन्न का उसी का व्युत्क्रम से गुना करने पे 1 आता है, तो 3/7 × उसका व्युत्क्रम, यानी 7/3 लिख देंगे यहां पे, इसका उत्तर। तो 6/13 को किससे गुना करने पे 1 आएगा, तो 6/13 का व्युत्क्रम क्या होगा, 13 यहां पे हर है तो 13 अंश हो जाएगा, 6 अंश है तो 6 हर हो जाएगा, यानी 6/13 को अपना ही व्युत्क्रम से गुना करने पे 1 आएगा, तो 6/13 का व्युत्क्रम 13/6, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13/6। 17,
तीन पूर्णांक 2/3 गुना तो 3 पूर्णांक 2/3 को किससे गुना करने पे एक आएगा। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं इसका, 3 3 9 9 2 11, 3 3 9 9 2 11, 11/3 तो 11/3 को, 11/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 3 हर है तो 3 अंश, 11 अंश है तो 11 हर, यानी 11/3 गुना 3/11 = 1 होगा। तो 11/3 का व्युत्क्रम से ही गुना करने पे एक आएगा। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 3/11, तो 3 पूर्णांक 2/3 गुना 3/11 = क्या आएगा, 1 आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 3/11। अठारह गुना 18 को किससे गुना करने पे एक आएगा, तो 18 का व्युत्क्रम, तो 18 देखिए हर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अंश हो जाएगा। तो 1/18 यहाँ पे अंश है, तो 18 को हर बना देंगे, तो 18 को 18 का व्युत्क्रम से गुणा करने पे एक आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/18।